हमारे पृथ्वी पे जिस तरह दिन भर पॉल्यूशन और गर्मी बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। ज्यादातर पॉल्यूशन हम इंसानों के कारण ही बढ़ता है। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग बनाने के लिए जंगल को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण ऑक्सीजन कम मिलता है और गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। रिसेंटली रेडियो पे न्यूज सुना था, मुंबई गोरेगांव में जो आरे फॉरेस्ट है उसमें से 500 ट्रीज मेट्रो बनाने के लिए नष्ट करने वाले हैं। मतलब सोचिए, मेट्रो बनाने के लिए कितने ट्रीज का नुकसान होने वाला है। पर अगर ऐसा सारे जंगल और ट्रीज नष्ट कर दिए तो क्या हम इंसान जिंदा रहेंगे? अगर मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए इंसान ही नहीं रहेंगे तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? कहने का मतलब ये है कि मेट्रो बनाने के लिए जंगल के सिवा कोई और रूट भी ढूंढा जा सकता है ना, जिससे आरे फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होगा। इसके सिवा जंगल नष्ट होने का कारण है फॉरेस्ट फायर्स। अब फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लगना नेचुरली होता है। ज्यादातर बारिश के मौसम में पेड़ पे बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाती है, जिस कारण जंगल के काफी पेड़ नष्ट होते हैं, जो कुछ दिनों पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ हुआ। ब्राजील में लोकेटेड अमेज़न फॉरेस्ट सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जिसका एरिया 5,500,000 किलोमीटर है। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पिछले 3 वीक से आग लगी थी, जिस कारण काफी पेड़ों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह थी कि अमेज़न फॉरेस्ट का क्लाइमेट जुलाई से अगस्त तक वेट और ह्यूमिड रहता है, जिस कारण क्लाइमेट में चेंज होने से और बारिश के वक्त बिजली गिरने से अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगी है। सबसे जरूरी बात कि अमेज़न फॉरेस्ट के कारण हमारे पृथ्वी को ऑक्सीजन मिलता है, और इसीलिए इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। सोचिए, अगर ये ऑक्सीजन देने वाला फॉरेस्ट नष्ट हो गया तो क्या हो गया? अमेज़न फॉरेस्ट नहीं रहा तो हमें और इस पृथ्वी को काफी नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान होगा और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आप सभी ने देखा होगा, रिसेंटली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगने के कारण काफी पेड़ नष्ट हो गए। पर इस तरह हर एक मिनट में अमेज़न फॉरेस्ट पे पेड़ काटे जाते हैं। जंगल में आग लगना बस एक वजह है पेड़ों का नुकसान होने की। उसके सिवा काफी सारे पेड़ इंसान ने काटे हैं कमर्शियल यूज के लिए। ईयर 1978 से 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल के पेड़ काट दिए गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद अमेज़न फॉरेस्ट आने वाले 100 साल बाद दिखाई नहीं देगा। अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो काफी नुकसान तो होगा ही। अमेज़न फॉरेस्ट 80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जिस कारण जंगल के पेड़ के साथ जानवर भी नहीं रहेंगे। अमेज़न फॉरेस्ट में पेड़ों के सिवा काफी अलग जानवर और उनकी जातियां हैं, जो जंगल नहीं होने के कारण नहीं रहेंगे, और इस तरह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अमेज़न फॉरेस्ट हम इंसानों को ऑक्सीजन देने के सिवा मेडिसिन देने में भी काफी यूजफुल है। काफी दवाई बनती है जिनके पेड़ अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर सारे पेड़ नष्ट हो गए तो क्या वहाँ के हर्बल ट्रीज रहेंगे? क्योंकि पेड़ों के इस्तेमाल से पेपर रबर भी बनाया जाता है। इस तरह से अमेज़न फॉरेस्ट हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि पृथ्वी के क्लाइमेट को फ्रेश रखता है। उसके सिवा ये घना जंगल काफी सारे जानवरों के लिए रहने की जगह भी है। जंगल नहीं होगा तो जानवर भी नहीं रहेंगे पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा तो हम इंसान भी नहीं रह सकेंगे। तो अमेज़न फॉरेस्ट बचाने के लिए बस थोड़ा सा योगदान देने की जरूरत है। पेड़ ज्यादा प्लांट करें, रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल करें, जिससे पेड़ कम काटे जाएं, और अगर सब साथ मिलकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट और बाकी जंगल बचाने की कोशिश करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। हमें धरती पे अच्छी जिंदगी बितानी है तो हमारी जिम्मेदारी है उसे सुरक्षित रखना। तो इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।